24 और मैं हूँ आपके साथ रीशु चौधरी। बीते दिन असम थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में एक दलित युवक रोशन कुमार को बाबा साहेब का फोटो अपने फेसबुक स्टेटस पर लगाने पर जातिवाद व संविधान विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों द्वारा जमकर बेरहमी से पीटकर लहूलुहान और सर पर लोहे की रॉड से किया वॉक, जिससे नाक और कान से खून बहने लगा। देखिए पूरी खबर। घायल युवक रोशन कुमार का इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। विशेष सूत्रों से जानकारी मिलने पर आजाद समाज पार्टी के गया जिला अध्यक्ष सौरव राज व भीम आर्मी के गया कार्यकर्ता जिला प्रभारी पीड़ित परिजन से मुलाकात करने पहुंचे तो लौटने के क्रम में बाजितपुर में पहले से घात लगाए लगभग 20 से ज्यादा संख्या में लोगों के द्वारा उनके व उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमला कर दिया गया, जिससे कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। घटना के दौरान ही जिला अध्यक्ष ने शेरघाटी डीएसपी को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी। आमस थाना से पुलिस बल ने पहुंचकर अध्यक्ष सौरव राज व उनके लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला तथा इस घटना को लेकर उनके द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश जारी है। मामला ये है कि बाजितपुर में एक लड़का है रोशन नाम का, वो लड़का जो है संविधान निर्माता बाबा साहब के कुछ फोटो वगैरह स्टेटस में अपना लगाते हैं, जिसको लेकर वहाँ के ही मनुवादी मानसिकता रखने वाले, संविधान विरोधी मानसिकता रखने वाले वहाँ के लोग जो हैं रोशन कुमार के साथ गंभीर रूप से मारपीट करते हैं। इतना मारपीट करते हैं कि उनको कई टाका लगता है। जब अनुमंडल हॉस्पिटल में वो आता है तो यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। मगध मेडिकल में अभी जो है लड़का भर्ती, उस लड़का से मुलाकात करने के बाद हम लोग यहाँ उनके परिजन से मुलाकात करने आए थे, साथ में हम लोग थाना से बातचीत करने आए थे। जो संवैधानिक प्रक्रिया होता है वो लोग उसको हम लोग करने आए थे। परिजन आप लोग कितने आदमी थे? हम और हमारे साथ लगभग जो है 50 के संख्या में हमारे कार्यकर्ता थे, कुछ बाइक से थे, कुछ गाड़ी से थे। तो जब हम लोगों ने वहाँ पे बातचीत किया, थाना अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई, संवैधानिक प्रक्रिया करके हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी उस गांव के चौराहे पे आती है, वहाँ पे बैठे राजपूत समाज के कुछ लोग हैं, कुछ यादव समाज के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे गाड़ी के ऊपर भी हमला किया जाता है। कई लोग जो है बड़ी दुर्घटना होने से बच गया, क्योंकि चलते हुए गाड़ी पे वो लोग हमला कर रहे थे। अगर किसी प्रकार से किस चीज से हमला कर रहे थे, लाठी भी था उनके पास, डंडे भी थे, हाथ से भी कुछ लोग जो है हैंडल पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, रोकने का प्रयास कर रहे थे, कुछ लोगों को रोक कर वहाँ पे जो है मारपीट भी किए। आप समझिए कि अगर हम जैसे लोगों के साथ जो न्याय के लिए संघर्ष करता है, गरीब वंचित शोषित समाज के लिए, अगर उसके साथ इस प्रकार से घटना होती है और पुलिस प्रशासन तत्व कार्रवाई नहीं करती है, तुरंत कार्रवाई नहीं करती है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका स्थिति क्या होगा। और गया जिला प्रशासन का ये लगातार शिकायत हमारे पास भी आ रही थी, जिसको लेकर हम लोग जो है एसएसपी महोदय को भी आवेदन दिए थे, यहाँ पे कई लोगों को और भी हम लोग आवेदन दिए थे, लेकिन लगातार घटना बढ़ती जा रही है। कितना बजे की घटना है ये? आधा घंटा पूर्व की ये बात है, लगभग 5:30 बजे। मेरा नाम सौरव राज हुआ, वर्तमान में आजाद समाज पार्टी काशीराम की गया जिला अध्यक्ष। बिहार और बंगाल से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।